नमस्कार मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज एटीन प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चार चरण के चुनाव हो चुके हैं और देश के बाकी हिस्सों में चुनाव जारी है लेकिन जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है और हम एक बार फिर हाजिर है न्यूज एटीन की खास पेशकश एडिटर्स पोल को लेकर जिसमें हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों की स्थिति क्या है और दोनों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया है और आगे नतीजों में किस तरीके से ये पार्टियां पहुंचेंगी इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी बहुत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ मौजूद है अरविंद तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत आपका कीर्ति राणा जी हमारे साथ मौजूद है जो अपने सटीक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे साथ है नवनीत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मालवा निर्माण की राजनीति पर बारीकी से नजर रखते हैं शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले नवनीत शुक्ला जी से सबसे सब पहला सवाल सर इस चीज को लेकर करेंगे कि चौथे चरण तक के चुनाव खत्म हो गए हैं महिलाओं का वोट परसेंट मध्य प्रदेश में कम हुआ है क्या वजह इसकी आप देखते हैं महिलाओं का करीब नौ प्रतिशत वोट कम हुआ है इस चुनाव में पर एक बड़ी बात यह भी हुई है कि वो जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है मतलब अगर महिलाओं की कोई नाराजगी होती तो वो कांग्रेस में जाना चाहिए था पर ये वोट कांग्रेस पे गया नहीं है इसलिए इस वोट को लेकर बहुत ज्यादा आकलन नहीं हो पा रहा कि आखिर ये वोट कहाँ चला गया क्योंकि वोट डल ही नहीं है इसका मतलब ये नौ परसेंट वोट कम हुआ है राणा जी से जानते हैं कि सर मध्यप्रदेश के की चुनाव की बात कर रहे थे हम लोग इंदौर में अक्षय बम वाला जो कांड हुआ पूरे देश में चर्चित रहा आपको कुछ उसका असर लगता है कि इंदौर के चुनाव पे पड़ा होगा क्योंकि जनता के बीच में भी वोट को लेकर वैसा उत्साह नहीं दिखा दिया जिसके लिए इंदौर ही जाना जाता है देखिये ये इंदौर में जो अक्षय बम कांड हुआ ये गुजरात मॉडल अमित शाह और मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है वो यहाँ लागू हुआ वह सूरत वाला कांड हुआ इंदौर में ये हुआ और इसके बाद में खजुराहो में तो ये अक्षय बम का जो कांड हुआ है मुझे तो ताजुब है कि अक्षय बम खुद एक लाकॉलेज चलाते हैं और उन्होंने लोकतंत्र तं, लोक के साथ में गद्दारी की इंदौर जो सफाई में नंबर वन था वो उनकी बेवफाई के कारण भी नंबर वन हो गया तो अक्षय बम का असर कांग्रेस को कितना पड़ा क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट तो था ही नहीं तो नोटा में कितने वोट गए ये चुनाव में पता चलेगा इसके पहले तक जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के अधिकतम छह हजार वोट नोटा में गए हैं इस बार यदि लाख डेढ़ लाख वोट भी नोटा में जाते हैं तो ये इंदौर के लिए बड़ी शर्मनाक और लोकतंत्र के लिए लज्जाजनक स्थिति होगी कि इंदौर इसमें भी नाम कमाएगा इंदौर में जो जीत हासिल करनी थी बीजेपी को वो जीत तो उसको मिलनी ही थी लेकिन कहीं ना कहीं उस जीत में जो अड़ंगा डला है वो बीजेपी को नुकसान करेगा साथ ही साथ कीर्ति राणा जी का कहना है कि शंकर लालवानी को इसका नुकसान हो सकता है नोटा को कांग्रेस प्रमोट कर रही है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो भी इसी शहर से आते हैं आपको लगता है कि कांग्रेस कहाँ वहां पर आ, मालवा इलाके में या निवाड़ इलाके में कांग्रेस का संगठन लेवल पर या सीटों के लेवल पर कुछ कमाल कर पाएगी देखिए जहां तक इंदौर की बात है तो इंदौर जो कि जीतू पटवारी का नगर है वहां पर तो कांग्रेस ने अपने लिए जो थोड़ी बहुत संभावना थी मतलब एक सम्मानजनक लड़ाई की वो कांग्रेस ने खुद ही कोई एक गलत उम्मीदवार का चयन करके अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने मैदान में, में क्यों उतारा यही एक पहला सवाल था कहा जा रहा था कि जीतू पटवारी को पार्टी इंदौर से लड़वाना चाहती थी और जीतू पटवारी चुनाव से बचना चाहते थे तो उन्होंने जो है अक्षय कांति बम के नाम पर सहमति करवा ली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इतनी बात तो सुनी जाती है जहां तक आपने मालवा निमाड़ के सीन की बात की तो मालवा निमाड़ की जो तीन ट्राइबल सीट है मुझे लग रहा है कि मालवा निमाड़ की जो तीन ट्राइबल सीट है झाबुआ रतलाम धार और खरगोन बड़वानी यहां मुझे लग रहा है कि इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज गया और जिस तरीके से हमने पूरे चुनाव के दौर में देखा कि जो संघर्षपूर्ण मुकाबला एक देखा मतलब दे कहा जाए ना दूसरे शब्दों में तो कांग्रेस इन तीनों क्षेत्रों में बहुत सम्मानजनक लड़ाई लड़ रही है चुनावी और मतलब असली चुनाव बाकी तो देखिए आप पूरे मालवा निमाड़ में कई जगह में गया लेकिन चुनाव का रंग ही देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन चाहे झाबुआ हो रतलाम हो मतलब ये का, कांस्टिट्युएंसी है दूसरी खरगोन और तीसरी धार यहाँ हर जगह जो है चुनाव कशपकश वाला रहा यहाँ पर कैंडिडेट्स के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी पूरी तरह से एक्टिव रही इसलिए इन तीन सीटों पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई संभावना बन सकती है और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इन तीन में भी अगर हम क्लासीफाई करें तो सबसे ज्यादा जो झाबुआ रतलाम सीट है उस पर मुझे लगता है कि इस बार जो है कोई मतलब बदलाव नजर आ सकता बाकी तो आप मालवा निवाड़ की बाकी सीटें देखें चाहे वो उज्जैन हो उज्जैन में तो इसलिए कि वहां पर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई थी और उज्जैन वैसे भी देखा जाए तो उज्जैन हो देवास शाजापुर हो ये भारत और चाहे मनसूर नीमच हो ये भारतीय जनता पार्टी के परम्परागत क्षेत्र है अब प्लानिंग के लेवल पर अगर हम बात करें प्रकाश जी आपसे जानेंगे की प्लानिंग के लेवल पर मालवा निवाड़ में इलाके में हम आदिवासी सीटों की भी बात कर रहे थे प्लानिंग के लेवल पर दोनों पार्टियों को और संगठन को आप कितना आंकते हैं कहाँ आंकते हैं दोनों पार्टियां बराबरी से कोशिश कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाकों में आए उसके पहले राहुल गांधी आए और जहां जहां राहुल गांधी की सभाएं हुई उन्हीं जिलों में प्रधानमंत्री की सभाएं भी हुई तो जाहिर है टक्कर बहुत तगड़ी थी संगठन के स्तर पर जो काम बीजेपी कर रही है कांग्रेस संगठन के स्तर पर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही अगर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है तो वो उम्मीदवार की योग्यता है पार्टी की योग्यता नहीं है तो स्पष्ट है उम्मीदवार वर्सेस पार्टी की लड़ाई है यहाँ उम्मीदवार तगड़े हैं वे अपने बूते पे लड़ रहे हैं कांग्रेस ने उम्मीदवारों को छोड़ दिया कि आपके बूते पे भूलिया जी आप लड़ो जीतो हारो आपके ऊपर है धार में भी यही हाल है और खरगोन में भी हाल है तो संगठन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वो नहीं मिल रही है आ, बहुत सारी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि देखिए संगठन का भी मामला आता है उम्मीदवारों का मामला भी आता है कीर्ति जी मालवा जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत का पावर सेंटर बनकर उभरा है लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में आठ मंत्री डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री समेत सभी लोग यहां से आते हैं तो इस पावर सेंटर का कितना दम आप देखते हैं खासतौर से मालवा की बात करें या फिर हम निमाड़ की सीटों की बात करें देखिए पावर सेंटर तो इसलिए महत्वपूर्ण है हो गया कि उज्जैन से मुख्यमंत्री हैं लेकिन इसी पावर सेंटर में इंदौर की सीट ने जो धब्बा लगाया है वो धब्बा इस पावर सेंटर के लिए भी प्रभावित करने वाला है ठीक है कि जैसा अरविंद भाई ने कहा कि एक या दो सीट निकल सकती है तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव हुआ है क्योंकि खजराव वाली सीट तो एक तरह से जीत गई थी 28 सीटों में से यदि कांग्रेस तो इंदौर भी सीट श्रेणी में मान के चलिए हाँ कांग्रेस यदि दो सीटें भी पूरे उनतीस सीटों में से ले आती है तो ये कांग्रेस की उपलब्धि होगी और बीजेपी का जो नारा है चार पार निश्चित रूप से वो नारा घट जाएगा बिल्कुल देखिए सीटों पे कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है मध्य प्रदेश में पाने के लिए सारा जहां है क्योंकि 29 सीटें हैं जिसमें से एक सीट कांग्रेस के पास है 28 सीटें बीजेपी के पास है खजुराव की सीट पर ऑलरेडी वॉकओवर की तरह मिल चुका है नवनीत जी जिस तरह से कीर्ति जी ने पूरा बताया एनालिसिस बताया सारी सीटों को लेकर लेकिन अगर हम यहां की बात करें जीतू पिटवारी प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन विधानसभा चुनाव हारे दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हमारे पास है कांग्रेस कहती है कि जय वीरू की जोड़ी कमाल दिखाएगी नहीं देखिए कांग्रेस के साथ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भाजपा कमलनाथ जी ने भी कहा था ना कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि अभी तक भी जीतू पटवारी जो है संगठन खड़ा नहीं कर पा और इंदौर की हालत तो और बुरी हो गई कि इंदौर में अभी तक मतलब पिछले दो सालों में डेढ़ सालों में जब से हैं वो कहीं संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है तो दिक्कत क्या हो रही कांग्रेस के साथ में कि कांग्रेस जिस उम्मीदवार को टिकट दे रही है उसके लिए संगठन तो बचे ही नहीं है कहीं पे और भाजपा का एक ताकतवर संगठन जो जमीन से जुड़ा हुआ संगठन जिसे कहते हैं ना कि बहुत नीचे के लेवल तक कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट तक का उन्होंने जो कर रखा है उसका लाभ भाजपा को बहुत ज्यादा मिलता है देखिये मुद्दों की बात कर रहे थे हम लोग की वैसा कोई फैक्टर इस बार चुनाव में नहीं दिखा जो आमतौर पर देखने को मिलता है राम मंदिर की बात करें अरविंद जी 370 की हम बात करते हैं बीजेपी ने लक्ष्य रखा था हर बूथ पर 370 का लेकिन लोग वोट करने नहीं निकले तो आप लगता है बीजेपी को कोई चुनौती इसमें झेलनी पड़ी होगी नहीं देखिए जो परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है सुधीर जी तो उससे ये तो स्पष्ट है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था वो तो मुझे कम से कम ये जो मालवा निर्माण क्षेत्र है इसमें तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा कि इस तरह का कोई सीन बन रहा हो बता आप इंदौर में अंदाजा लगाइए इंदौर जो राजनीतिक रूप से सबसे जागृत शहर माना जाता है आ, वहां पर आ, मतलब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों में मतदान के एक सप्ताह पहले तक चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं था कहा जा रहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं अंदाज लगाइए आपके पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश को इंदौर में एक बैठक लेना पड़ी इंदौर के नेताओं को एक फोरम पर बिठाना पड़ा एक ऑनलाइन बैठक उन ली उन्होंने कहा कि भाई इंदौर में इतनी उदासीनता क्यों है कार्यकर्ता बाहर क्यों नहीं निकल रहा है इंदौर में जो है और उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को जिसमें दो दो कैबिनेट मंत्री शामिल हैं छह विधायक शामिल हैं और पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हैं उनको निर्देश देना पड़े कि इंदौर में वोटिंग परसेंटेज बढ़े ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो इसके लिए आप मैदान संभालिए विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया था कि कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा था फिर आखिरी के एक महीने में अचानक से कार्यकर्ता बाहर निकला देखिए तो एक महीने पहले कार्यकर्ता का निकलना तो बड़ी बात है मतलब तो बहुत महत्व रखता है मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ तो एक सप्ताह पहले तक स्थिति यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता जो वोटर को घर से निकालकर बूथ पे लाने का काम करते हैं जो बहुत उत्साह के साथ बूथ पर मोर्चा संभालते वो गायब नजर आ रहे थे तो पार्टी के लिए चिंता का विषय बना पार्टी की सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप ने लोकल लीडर से कहा कि भाई आप ये ऐसा क्यों हो रहा है इंदौर में पहली बार इतनी उदासीनता हम पार्टी के लोगों के बीच में देख रहे हैं तो बताइए ये पार्टी जिस मुद्दे पर चिंतित रही है तो अंदाज लगाइए कि इंदौर में बीजेपी का वर्कर कितना एक्टिव था और एक सप्ताह पहले एक्टिव और, और आखिरी तीन दिनों में बीजेपी ने पूरी ताकत इस बात पर झोंकी कि इंदौर में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और उसी का नतीजा था कि इंदौर में साठ के आसपास मतदान हुआ कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे कीर्ति जी उनका कहना था कि छिंदवाड़ा में हमने देखा तो कमलनाथ अपना चुनाव अकेले लड़ रहे थे राजगढ़ में दिग्विजय सिंह को देखा तो वो अपना चुनाव अकेले लड़ रहे थे तो कमोबेश ऐसा लग रहा है कि इंदौर में जीतू पटवारी अलग पड़ गए कुछ ऐसा लगा जीतू पटवारी इंदौर में यदि लड़ते तो माहौल कुछ और होता कांग्रेस में जोश आता लेकिन जीतू पटवारी तो रणछोड़दास साबित हो गए उनको ऑफर दिया था लड़ने का लेकिन उन्होंने अक्षय कांति बम को आगे कर दिया जीतू पटवारी और उमंग सिंगार में जो अंदरूनी कटाछनी चल रही है उससे भी मालवा क्षेत्र में कांग्रेस प्रभावित हुई है और जहां तक मैं थोड़ा सा बात को और आगे ले जाता हूं ये जो चुनाव के परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के इसमें कांग्रेस जो आरोप लगाएगी तो तय है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई वगैरह वगैरह उसका अंदाजा अभी से लगना शुरू तो हो गया है शुरू हो गया है लेकिन यदि बीजेपी 400 पार जाती है तो विपक्ष ये आरोप लगाने से भी नहीं चुकेगा कि इस बार चुनाव आयोग रबर स्टैम्प की तरह बीजेपी का साथ देता रहा हमने भी देखा है दो तीन चरणों के मतदान के बाद में बीजेपी ने ग्यारह दिन चुनाव आयोग ने ग्यारह दिन बाद आंकड़े जारी किए कि साहब प्रतिशत बढ़ गया है और मध्य प्रदेश और इंदौर की बात करें तो इंदौर में तो कांग्रेस ढंग से अपना चुनाव भी नहीं लड़ पाई है क्योंकि कमलनाथ ने पिछले दिनों जब इंदौर आए थे तो उन्होंने कहा था कि छिंदवाड़ा मॉडल मेरा इसलिए है कि मैं अपने हिसाब से सारे पद तय करता हूँ सारी जिम्मेदारियाँ तय करता हूँ बूथ मैनेजमेंट तय करता हूँ उसी हिसाब से वो अब तक जीतते रहे और बीजेपी के लिए इस बार मध्य प्रदेश में दो ही सीटें नाक की बनी हुई है एक तो छिंदवाड़ा और दूसरी राजगढ़ की दिग्विजय सिंह की ये दो सीटें वो किसी भी हालत में जीतना चाहती है और वो अपनी रणनीति में सफल होती है तो उसमें दिग्विजय सिंह की कमजोरी कम होगी कमलनाथ की कमजोरी कम होगी कांग्रेस की कमजोरी ज्यादा साबित होगी देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे खासतौर पर मध्य प्रदेश की जो हॉट सीट है राजगढ़ की हम बात करते हैं हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं छिंदवाड़ा सीट को लेकर भाजपा ने पूरा जोर लगाया था ऐसा लग रहा था नवनीत जी की छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी ने लगातार रणनीति बनाई है तो कहीं ऐसा महसूस होता है कि पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर रहा उस वजह से बाकी जगह कहीं बीजेपी कमजोर होती नजर आई नहीं निश्चित रूप से पर एक छिंदवाड़ा के चुनाव में आपने एक बात जरूर देखी होगी कि छिंदवाड़ा के चुनाव में भाजपा के सारे नेता वहां गए हैं प्रचार के लिए अमित शाह भी गए और प्रधानमंत्री एक बार भी लिया ये कमलनाथ के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी रिश्तों का भी सबक है कि उन दोनों के बीच में एक बार भी नहीं गए जबकि चार चार बार उनको जाना चाहिए था क्योंकि वो सीट प्रतिष्ठा की थी वो एक बार भी ली गए एक और चीज है जो आपने कहा बिहाल कीर्तिभा ने भी कहा कि देखिए जीतू पटवारी का मामला इसलिए अलग है कि जो सीटें जीत रहे हैं वो जीतू पटवारी के कारण ही जीत रहे हैं छिंदवाड़ा जीत रहे हैं तो ड्यू टू कमलनाथ राजगढ़ जीत रहे हैं तो ड्यू टू दिग्विजय सिंह आप वहां जीत रहे हैं क्योंकि झाबुआ का टिकट है उसके लिए तो खुद जीतू पटवारी टिकट कटवाने के लिए कांतीलाल भूरिया के दिल्ली गए थे पर वहां वो टिकट कटा नहीं कांतीलाल भूरिया को ही मिला तो अगर वो सीट निकल रही तो उसका श्रेय भी जीतू पटवारी को नहीं है ये उन ताकत और उम्मीदवारों को है जो टिकट अपने खुद के दम पे लाए हुए हैं चुनाव आयोग है की हम बात कर रहे थे अभी जिक्र किया कीर्ति राणा जी ने भी जिक्र किया नवनीत जी ने भी जिक्र किया अरविंद जी चुनाव आयोग को कहीं कही ना कहीं लगता है आपको चुनाव का जो प्रचार प्रसार होता है जैसे हम बात कर रहे थे कि उस तरह का प्रचार प्रसार इस बार नहीं देखा गया खासतौर से चुनाव आयोग की तरफ से भी ऐसे कदम उठाए जाने थे जिससे मतदान को हम रिकॉर्ड लेवल पर ले जा सकते थे देखिए सुधीर जी जहां तक मेरा मानना है कि दोनों राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना में वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा जाए ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें इसके लिए चुनाव आयोग और शासन ने तो पूरी मशक्कत की चुनाव आयोग ने जो अलग अलग एक्टिविटीज की देखिए चुनाव आयोग अल्टीमेटली अपनी जितनी एक्टिविटीज है वो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही करता चुनाव आयोग ने जितनी एक्टिविटीज की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी का असर है कि देखिए राजनीतिक दलों की ओर से तो मतदान ज्यादा हो इसके लिए संगठन स्तर पर पहल हुई कार्यकर्ताओं के स्तर पर लेकिन चुनाव आयोग ने आम आदमी ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए पहुंचे इसके लिए जो पहल की थी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका असर और विशेषकर इंदौर जैसे शहर में उसका असर देखने को मिला देखिये मतदान के दिन जब इंदौर में दोपहर तक जो है अड़तीस चालीस परसेंट वोटिंग हो रहा था उस दौर में जो है इंदौर में प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया अलग अलग मैसेजेस चले प्रशासन की गाड़ियां उन्होंने कहा कि भाई मतदान महत्वपूर्ण है आप मतदान के लिए निकलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए तो उसका असर तो कहीं कही ना कहीं देखने को तो मुझे जहां तक लगता है कि चुनाव आयोग की और स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तो ज्यादा से ज्यादा मतदान को लेकर पूरी सक्रियता रही चुनाव की बात आती है तो बयानबाजी का जिक्र जरूर आता है जब बड़े नेता बयानबाजी करते हैं तो वोटर्स जो होते हैं वो कहीं कही ना कहीं इधर से उधर शिफ्ट होते एक बड़ा सवाल इन चारों विशेषज्ञों से हम जानना चाहेंगे प्रकाश जी मंगल सूत्र का जिक्र आया विरासत टैक्स का जिक्र आया आपको लगा कि चुनाव में कुछ असर उसका देखने को मिलेगा नकारात्मक असर देखने को मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बीजेपी के इतने बड़े नेता है उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे पे बात की और कांग्रेस के एजेंडे पे वो बातें जो कांग्रेस ने कही ही नहीं तो बड़ी हस्तस्पुद बातें हुई ना तो भेस कोई किसी को दे रहा है ना कोई मकान दे रहा है ना कोई बैंक अकाउंट दे रहा है ना मंगलसूत्र तो दे रहा है यह बात जरूर कांग्रेस कहने लगे कि देखिए 400 सीटें इन्हें मिलनी थी आधे सीटें हम ले रहे हैं अब इनको दो सौ सीटें मिलेगी तो हंसी हास्त के पात्र बने ऐसे बयान की अपेक्षा प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती चार जून को नतीजे आएंगे लेकिन एक चीज और सवाल हम जानना चाहेंगे इसमें नवनीत जी आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि आखिर ऐसे क्या मुद्दे आप देखते हैं कि जिन पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया जिसका असर देश भर में देखने को मिल सकता है खासतौर से मालवा की और निमाड़ की भी बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ हमारे पास दो मुद्दे एक तो यह है कि किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा है कि मोदी की गारंटी जो थी वो इस बार पूरी नहीं हुई वही बाईस सौ उनको जो समर्थन मूल्य मिलना है और जो उनको ऊपर का पैसा मिलना था वो आज तक नहीं मिला तो किसानों के साथ एक खुली धोखाधड़ी किसानों को दिखने लगी दूसरी बात आप ये समझिए कि कितने बारह आपके तेरह करोड़ इंजीनियर अब खाली हो चुके हैं जिनके पास कोई काम नहीं है इस साल पन्द्रह लाख ,00 इंजीनियर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री तो की सभाओं में रोजगार महंगाई जो आज की तारीख में सबसे बड़े मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है पूरा चुनाव जो है ऐसा लग रहा है कि धर्म और आपका हिंदू मुसलमान पे आगे टिक गया है शहर देश के लोग अभी समझने लगे हैं कि एक बार एक मुद्दा भुनाया जा सकता है दूसरी बार नहीं भुनाया जा सकता तो देखिए ये विशेषज्ञों से हमने बात की और जानने की कोशिश की है कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने चुनाव पे असर डाला है गर्मी अलग तरीके से अपना असर डाल रही है लेकिन सियासत में वो गर्मी नहीं देखने को मिल रही है जो कि चुनाव के परिणामों को अलग तरीके से दिखा सकती है लेकिन इसके बाद जब चुनाव के नतीजे चार जून को आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर किसकी बयानबाजी का असर कितना रहा है और हमारे साथ जो विशेषज्ञ थे वो न सिर्फ देश की न प्रदेश की बल्कि देश के हर चप्पे चप्पे में होने वाली राजनीतिक घटनाओं की जानकारी भी रखते हैं और गहराई से उनका जब अध्ययन करते हैं तो उनके विचार जो है वो सामने निकलकर आते हैं ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार